हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं द फन स्पॉट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं Realme X के 20 डेज रिव्यूज। मतलब मैंने इस फोन को 20 डेज यूज किया है। मैंने 20 दिन पहले इस फोन को खरीदा था। मैं इस फोन का अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था उस वक्त, लेकिन मैं इस फोन का रिव्यू जरूर शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इन 20 डेज में, मैं ये भी बताने वाला हूँ। सो विद दैट सेट, without wasting time, let's get started. So guys, we'll start with bad things. मैं इस फोन में अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है दोनों बताने वाला हूँ। सो गाइज, पहली बुरी चीज जो है वो है इस फोन की बैटरी। गाइज, इस फोन में 3700 mAh की बैटरी है। वैसे दिस मच बैटरी इज इनफ फॉर सम फोन्स, लेकिन इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो बहुत बैटरी कंज्यूम करती है। सो विद द एंड ऑफ द डे मुझे इस फोन में कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब बैटरी फुल डल। और मैंने एक चीज इसमें फेस की है, अगर आप एक्सेसिव यूज करते हो इस फोन को तो आपको एक दिन में दो बार फोन चार्ज करना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आप बैटरी के हिसाब से फोन परचेस कर रहे हैं सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू दिस फोन। सो दूसरी डीमेरिट इस फोन की है वो है इस फोन का पॉपअप कैमरा। गाइज, कैमरा इस फोन का अच्छा है, लेकिन जो पॉपअप मैकेनिज्म है मुझे वो नहीं पसंद आया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी बात कि अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो जब आप क्लिक करते हो उसके कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद ये जो फोटो होगा वो क्लिक होगा, जो कि मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगा। और मैंने इस ये चीज मैंने स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और बस इन दो एप्स में जनरली मैंने फेस किया। और वाइल इन व्हाट्सएप मैंने ये चीज फेस नहीं की, मैंने जब मैं क्लिक करता था आसानी से हो जाता था। और जो इसका डिफॉल्ट कैमरा है उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, पता नहीं ये क्या है, अगर शायद अपडेट से निकल जाए तो हो सकता है सॉल्व, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थर्ड चीज जो मुझे इस फोन की बुरी लगी वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। गाइस, स्कैनिंग बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्कैनर भी अच्छे से काम करता है जैसे कि जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मैंने इसके ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास लगाया है इसकी वजह से जो एक्यूरेसी मतलब जो होना चाहिए, जो मैं ऐसे उल्टा लगाता हूँ तो कभी कभी काम ही नहीं करता। वैसे क्या है कि फिंगरप्रिंट अगर आपने स्कैन करवा लिया है तो कोई भी एंगल से होना चाहिए, लेकिन अब हमको प्रॉपर वे में थंब लगाना पड़ेगा तभी वर्क करेगा। हाँ, इसका एक बेनिफिट है कि ये जो डिस्प्ले में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो आप अच्छे से यूज कर पाएंगे, नो डाउट आपको आसानी होगी, लेकिन समटाइम यू विल फेस प्रॉब्लम। द फोर्थ डीमेरिट ऑफ दिस फोन इज जो इसका जो कॉल जब हम बात करते जो आगे स्पीकर होता है, वैसे मुझे इसका पर्टिकुलर वॉकअप नहीं पता इसलिए मैं ये इतना सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। सो गाइस, जब बात करते जो स्पीकर आप जो सुनते हो उस वक्त जो इतना लाउड होता है, लाउडली सुनाई देता है, अगर आप पब्लिक प्लेस में कहीं पे बात कर रहे हो कॉल पे तो आई एम श्योर कि वो लोग आराम से सुन पाएंगे और आपको ये प्रॉब्लम फेस होगा, आपका कान भी दर्द कर जाएगा अगर आप बहुत देर तक बात कर रहे हैं। सो गाइज, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और मुझे इसका जो वॉल्यूम होता है मीडिया वॉल्यूम मुझे कम करना पड़ता है तभी मैं इससे आसानी से बात कर सकता हूँ। गाइज, अनदर डीमेरिट ऑफ दिस फोन इज द साइज। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है जो मुझे इसका बिल्ट अच्छा नहीं लगा, जो थोड़ा वाइड है, रेक्टेंगुलर ज़्यादा है ये फोन। और हाँ, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो बात अलग है, आपको मजा आएगा, वैसे वो बेनिफिट हो जाएगा तो मैं उसको वहां पे डिस्क्राइब करूंगा। वैसे गाइस, अगर आप फोन जनरल यूज करते हैं तो वन हैंड आप यूज नहीं कर पाएंगे इजीली, आपको अगर थोड़ा जो फोन की जो पॉपअप साइड जो स्क्रीन है वहां पे आपको कुछ क्लिक करना है तो आई एम श्योर कि आपको सेकंड यूज करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज की अगर आप कहीं पे जा रहे हो पॉकेट में फोन है तो भी आपको कंजेस्टेड फील होगा, जीन्स में आप इजीली नहीं रख पाएंगे। सो थोड़ा साइज में बड़ा है, नो डाउट ये इसका जो डीमेरिट मुझे लगा। सो गाइज, इतने ही डीमेरिट से जो मैंने बारीकी से परखे थे जो मुझे इतने अच्छे नहीं, मतलब जो फीचर्स है वो इतने अच्छे नहीं लगे। वेल, अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। इस फोन में बहुत सी चीज़ें अच्छी है, वैसे जनरली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज वीडियो में जो होता है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है और उसमें से कुछ चीज़ें जो अच्छी है जो 20,000 के वर्थ है जो मैं वो बताने वाला हूँ। सो उसमें से पहली चीज़ है फास्ट चार्जिंग।
हाँ गाइज, मैंने इसको डीमेरिट कंसीडर किया था बैटरी को, लेकिन जो इसका चार्जर है और इसमें जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, दिस इज अमेजिंग। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, वेन एवर आई हैव टू गो आउटसाइड, तो मैं जब फोन चार्जिंग में रखता हूँ, सो विद इन 10 मिनट्स इट्स बूस्ट द चार्जिंग। मतलब जो लेवल होता है, जो अब 10% बैटरी है तो 30% तक आराम से हो जाएगा चार्ज, मतलब 4 to 5 hour यूज तो आप आराम से कर पाएंगे। सो दिस इज बेनिफिट। गाइस, सेकंड बेनिफिट ऑफ दिस फोन इज डिस्प्ले। गाइस, मैंने पहले ही बताया इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो गाइस जो एक्सपीरियंस मिलता है जो फाड़ू गाइस। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो गेमिंग एक अलग एक्सपीरियंस है, अगर आप मूवी देख रहे हैं यूट्यूब में 4K, हालांकि इसमें 1080 पिक्सल्स ही सपोर्ट होता है, 2K नहीं है, लेकिन जो 4K वीडियोस जो इसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें नॉज ही नहीं है, तो फुल डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, तो आप स्ट्रेच करके फुल डिस्प्ले में वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज द वे, दैट एक्सपीरियंस इज वे बेटर देन एक्सपेक्टेड। गाइज, अनदर बेनिफिट ऑफ दिस फोन इज कैमरा। गाइज, इस फोन का कैमरा इतना बढ़िया है, जो अभी फ्रंट कैमरा जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है आपको अभी तो पता चल ही गया होगा। इसके अलावा मैं कुछ फोटोज भी शेयर कर दूंगा रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा के। तो गाइज, जो अभी आपने फोटोज देखे वो कुछ रियर कैमरा के थे और फ्रंट कैमरा के, और कुछ मैंने रैंडम्स क्लिक किए थे, जब कार में मैं घूम रहा था तभी मैंने क्लिक कर लिए थे, और कुछ मैंने टाइम लेके फोटो क्लिक किए थे। हालांकि मुझे इसका प्रो मोड यूज करना नहीं आता है, इतना अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया। गाइज, अनदर बेनिफिट ऑफ दिस फोन इज नो हीट इश्यूज। अगर आप गेमर है तो आई एम डैम श्योर ये फोन कभी गर्म नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इसमें अच्छा प्रोसेसर है एड्रिनो का, सो ये एक बेनिफिट है। ये फोन मैंने अभी तक तो इसमें कुछ ऐसा वार्मनेस फील नहीं किया वाइल प्लेइंग पबजी, और मैंने इतना अच्छा, मतलब इतना ज्यादा पबजी नहीं खेला है, लेकिन मैंने एक दिन पूरे 4 घंटा खेला था, और मुझे पता है ये फोन बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ था। वेल गाइज, इतने ही बेनिफिट जो मुझे लगे अच्छे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें दूसरी जगह, मतलब अनबॉक्सिंग वीडियोस में भी देखने को मिल जाएगी। वैसे गाइज, मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो बनाया है फेस कैम के साथ, मैं बहुत नर्वस था, मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं इस वीडियो को शूट करने के लिए। मैंने सोचा था कि अच्छा बैकग्राउंड मुझे मिलेगा, लेकिन जो भी है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं इससे भी अच्छे वीडियोस लाऊंगा जल्दी से जल्दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हाँ ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगर आपने अभी तक देखा है सो थैंक यू वेरी मच गाइज, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं ट्राई करूँगा इससे भी अच्छा वीडियो नेक्स्ट टाइम आए, और फाड़ू वीडियो लाऊंगा ज़रूर। सो विद दैट सेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।